हेलो दोस्तों, साइक्लोबाइल ग्लोबल की तरफ से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको TVS की जुपिटर के ZX मॉडल का रिव्यू दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। दोस्तों, यह इसका फ्रंट, दोनों ही साइड में आपको ब्लिंकर्स मिलते हैं। उसके ऊपर आपको इसके हेडलैम्प्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन हेडलैम्प्स मिलते हैं। और अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको सिंक ब्रेक्स मिलते हैं। तो चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। ये है इसका बैक प्रोफाइल। बैक में आपको मैं एक प्लस पॉइंट दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर पेट्रोल भरने की जगह आपको बैक लाइट के ऊपर ही मिलती है। हालांकि जितने भी आप स्कूटर देखेंगे उसके अंदर आपको बूट खोल कर ही पेट्रोल भरवाना पड़ता है। तो ये है इसका एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट। तो दोस्तों, ये है इसका साइड प्रोफाइल। साइड से आपको ये काफ़ी अच्छी दिखती है। और जो आप ये देख रहे हैं प्लास्टिक सा, ये इसको और भी एक इन्हेंस करता है, इसके लुक को बहुत इन्हेंस करता है। फ्रेंड, जिसके अंदर आपको CVTi का इंजन मिलता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इसके हैंडल बार की तरफ। इसमें आपको हेडलाइट्स के कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्लिंकर्स के ऑप्शन, ये हॉर्न बजाने का ऑप्शन, और ये आपको ऑन करने के लिए। तो चलते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ। यह है इसका स्पीडोमीटर। इसके अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं मिलता है। और जो आप ये ग्रीन लाइन देख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी स्पीड 30-50 के बीच में होती है, तो मतलब आप इको मोड में चला रहे हैं। तो और जब भी और किसी जगह पर होगी, मतलब 30-50 के बीच में नहीं होगी, मतलब आपका पावर मोड है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके इंजन के साउंड दिखाऊंगा। सो ये है इसके इंजन साउंड। सो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इसके बूट की तरफ। ये है इसका बूट। और यहाँ पे आपको दो हुक्स मिलेंगे अपने हेलमेट के लगाने के लिए। सो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म होती है आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना।